गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शाह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप एक CA CS या CMA के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको अपने रिवीजन के टाइम या फिर जब आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा हो तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो लेट्स बिगिन। तो सेक्शन 43 क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जान लेते हैं कि शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं। शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 में इक्विटी शेयर कैपिटल को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, एंड दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब क्या? डिफरेंशियल वोटिंग राइट किस चीज के लिए? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स हमें समझ आता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को वोट करने का अधिकार होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब क्या? अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट कुछ कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक अधिक अधिकार होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड या फिर वोटिंग या फिर और भी कोई अलग चीज जो कि रूल्स में प्रेस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर सेकंड टॉपिक पे आता है, मतलब सेक्शन 43 के ही दूसरे टॉपिक में। यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिफाइन किया गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इंस्टीट्यूट के मैट से पढ़ाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट का मैट का लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल होता है और आपको समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी दी जाती है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इररिलेवेंट होती है। इसलिए मैं खुद नोट्स बनाता हूं, इंस्टीट्यूट का मैट्स पढ़ के नोट बनाता हूं, उसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जिसका एक प्रेफरेंशियल राइट होता है। अब प्रेफरेंशियल राइट किस चीज़ के ऊपर? इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन वाइंडिंग अप। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उस शेयर कैपिटल को बोलते हैं जिसका एक प्रेफरेंशियल राइट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इसका मतलब कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि ओनर होते हैं एक कंपनी के, उनको डिविडेंड देने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। तो इसका मतलब उनको एक प्रेफरेंशियल राइट देते हैं और जब भी एक कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे। अगर उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और अब तीसरा बात, तो इक्विटी शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? लॉ का बड़ा इंटरेस्टिंग वे होता है डिफाइन करने का। अब सेक्शन 43 कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब वो शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। कितना सिंपल वे में डिफाइन किया गया। होप सो कि इतना दूर तक क्लियर है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। ये तो थोड़ा बेसिक्स टॉपिक हो गया, ठीक है। मैं पहले से प्रिपेयर किया हुआ नोट निकालता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से ये सेल्फ नोट्स बना के रखा है ताकि मुझे पढ़ाने में और खुद पढ़ने में भी आसानी हो। अब इस सेक्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है फॉर द इशू ऑफ डिफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर कैपिटल को इशू करने के लिए हर कंपनी को किस चीज़ का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, टू इशू शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट
कंपनी के पास इसका पावर होना चाहिए। अब कंपनी को पावर कहाँ से मिलता है? उसके आर्टिकल से। तो डिफरेंशियल राइट्स शेयर इशू करने के लिए कंपनी मस्ट बी ऑथराइज इन इस आर्टिकल, उसके आर्टिकल में ये चीज़ ऑथराइज करना चाहिए, आर्टिकल्स इसको पावर देना चाहिए। मतलब आर्टिकल्स में पहले से मेंशन होना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इशू कर सकता है, तभी कंपनी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशू कर सकता है। एंड इट मस्ट बी पास्ड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, और सारे मेंबर्स से एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब कि एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट मोर देन 50%, 50% ऑफ द मेंबर मस्ट एग्री विद दिस रेजोल्यूशन कि हाँ आप कंपनी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशू कर सकते हैं, तभी एक कंपनी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशू करने का सोच सकता है। दूसरा पॉइंट, पोस्ट इशू। पोस्ट इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट मस्ट नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब समझना पड़ेगा, जो कंपनी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशू करेगा उस शेयर का वैल्यू 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू इक्विटी शेयर कैपिटल से कम होना चाहिए। मतलब कि एक कंपनी जब डिफरेंशियल शेयर इशू करेगा उसका वैल्यू इशू करने के बाद टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का 26% से कम होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़ का, और वो कंपनी इशू करना चाहता है, प्रपोज करता है इशू करने को इक्विटी शेयर कैपिटल विथ डिफरेंशियल राइट ₹30 करोड़ का, तो क्या ये कंपनी कर सकता है? ध्यान से देखिए, 100 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है अभी एक्जिस्टिंग, वो प्रपोज करता है कि 30 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट इशू करे, तो क्या वो कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। बोलिए कैसे? अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि वो नहीं कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वो कर सकता है। देखिए यहाँ क्या बोला है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट है दैट मस्ट नॉट एक्सीड 26% ऑफ द पोस्ट इशू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये जो 30 करोड़ है इट मस्ट नॉट एक्सीड पोस्ट इशू, इसके इशू होने के बाद कितना टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, दैट इज 130 करोड़। तो इसका परसेंटेज निकालिए, देखिए 30 divided by 130 into 100, दैट इज अबाउट 23.0769%। एंड 130 करोड़ का 26% आता है करीब करीब 33.8 करोड़। मतलब कि ये कंपनी 33.8 करोड़ तक का इशू कर सकता है, बट वो अभी कितना परसेंट कर रहा है? वो सिर्फ 30 करोड़ का कर रहा है। वो कितना परसेंट है? 26.0769%। ठीक है, इस वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इट इज 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, होप सो ये पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट हैव द कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ पेइंग डिविडेंड इन द लास्ट 3 इयर्स। कंपनी को लास्ट 3 सालों में कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किया होगा कंपनी अगर, तभी ये कंपनी इशू कर सकता है, और एल्स नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तभी वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा या डिविडेंड पे करेगा। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि 3 साल में कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, अगर वो प्रॉफिट अर्न करेगा तभी वो इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंशियल राइट इशू कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी शुड मेक नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द लास्ट 3 ईयर। कंपनी को डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, एंड लास्ट 3 साल में कंपनी एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में अगर डिफॉल्ट किया है लास्ट 3 में से कोई भी 1 साल में, तो कंपनी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशू नहीं कर सकता। हाउएवर, अगर वो कोई डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो उसको करेक्ट कर लेता है, तो उसके 5 साल के बाद, 5 साल के बाद वो शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशू कर सकता है। 5 साल तक कंपनी को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कंडीशन हुआ, और भी कंडीशन है। और एट प्रेजेंट
देर शुड बी नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ड्यू ऑन. जो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है पब्लिक से, जो पब्लिक से लोन लिया है, उसका रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, या फिर उसका इंटरेस्ट पेमेंट में जो 6 महीना या साल भर में कंपनी इंटरेस्ट पे करता है उस पर भी कोई एट प्रेजेंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और उसका भी इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिपेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड. मतलब ये बता रहा है कि कंपनी का लिक्विडिटी, फाइनेंशियल पोजिशन और खासकर लिक्विड पोजिशन, लिक्विडिटी पोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कंपनी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशू कर सकते हैं.